नमस्कार, यूथ कार्ना न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। मैं शिव कुमार प्रजापति। खबर आ रही है जनपद आजमगढ़ से, जहां पर सिर कटीलास का पुलिस ने किया खुलासा। पुलिस और हत्यारे के बीच मुठभेड़, पूरी खबर आपको विस्तार से बताते हैं। ताजा तो इन धार्मिक एवं सनसनीखेज खबरों के लिए लगातार देखते रहें यूथ कार्नर। जनपद आजमगढ़ में अहरौला थाना क्षेत्र के गौरी का पूरा गाँव के पास सड़क किनारे स्थित कुएं से सिर कटी लाश के 5 टुकड़ों का पुलिस ने किया खुलासा। इस दिल दहला देने वाली घटना को अंजाम देने वाले मुख्य आरोपी को पुलिस ने मुठभेड़ में गिरफ्तार किया। गोली लगने से घायल आरोपी को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं पुलिस ने मृतक के सिर को बरामद भी कर लिया, जिसे पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। युवती संग हैवानियत की इस खौफनाक तस्वीर ने सबको हिलाकर रख दिया। युवती की कई टुकड़ों में काटकर सिर उसका निसंग हत्या कर दी गई थी। मुख्य रूप से प्रिंस यादव नामक युवक शामिल था। इस युवक के बहन से मृतका की दोस्ती थी। इतना ही नहीं, दोनों का एक दूसरे के घर भी आना जाना लगा रहता था। भैरव धाम जाने के लिए मृतका 9 नवंबर को अपने घर से निकली थी और प्रिंस की बाइक पर बैठकर गई थी। बीते 15 नवंबर मंगलवार को उसका शव गौरी का पूरा स्थित गांव के कुएं में 5 टुकड़ों में मिला था, जहां सिर गायब था। मामले के खुलासे के लिए पुलिस की टीम 5 टीमें लगातार रन कर रही थी। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि युवती की शिनाख्त में इस हाकपुरा की रहने वाली 22 वर्षीय आराधना प्रजापति के रूप में हो गई है। गिरफ्तार आरोपी प्रिंस यादव पुलिस की पूछताछ में बताया कि मृतका के साथ उसके 2 साल से संबंध लगातार रहे। वह बाहर विदेश में काम कर रहा था। इस साल फरवरी में मृतका की शादी किसी अन्य व्यक्ति से हो गई। जब उसे जानकारी हुई तो वह विदेश से लौटा और उसने मृतका पर दबाव बनाया कि उसके साथ शादी न करके हमारे साथ करे। वहीं उसके माता पिता से भी बात साझा किया। 29 अक्टूबर के बाद उसने हत्या की योजना बनाई। लड़की इससे मिलने आई, जिसे वह रेस्टोरेंट लेकर खाना भी खिलाया। इसके बाद घुमा फिरा के बहाने शाम तक अपने मामा के गांव एक खेत में ले जाकर गला दबाकर हत्या कर दिया और बांके से उसके शरीर के टुकड़े टुकड़े कर डाला। उन टुकड़ों को पॉलीथीन में भरकर कुएं में फेंका। पुलिस ने साक्ष्य संकलन प्राप्त भी कर लिया है। मृतक के शव का सिर बरामद भी हो गया है। घटना में प्रयुक्त 2 बांके कपड़े बरामद भी किए गए हैं। इस घटना का अनावरण साइंटिफिक तरीके से भी किया गया। हत्यारे के साथ मुठभेड़ के दौरान उसके दाहिने पैर का में गोली लगी हुई है। उपचार के लिए जिला अस्पताल भेज दिया गया, जिसके पास से खोखा कारतूस और अवैध हथियार बरामद भी हुए। इसका साथी सर्वेश यादव फरार है, जिसकी तलाश तेजी से की जा रही है, जिसके ऊपर 25,000 का इनाम घोषित कर 5 टीमें लगाई गई हैं। इस घटना में 7 लोगों को भी अभियुक्त बनाया गया, जिसमें प्रिंस के माँ बाप, मामा, मामी, मामा के लड़के, ब्रिजेश की पत्नी सुमन भी शामिल रहे। प्रिंस की बहन वह भी मुलजिम बनाया गया है। इन अभियुक्त को कड़ी कठोर सजा दी जाए, लोगों की यही मांग है। यह खास रिपोर्ट है आजमगढ़ ब्यूरो नीरज प्रजापति की। लगातार जो है घटनाओं को जिस तरह से छाप रहा होता है, क्या मतलब उनको जानकारी पहले दी जा रही थी या बाकी लोगों की जानकारियां मिल रही है? ये तो वो आपको बता पाएंगे। पुलिस ने जो कार्रवाई की है वो मैंने बहुत स्पष्ट रूप से, बहुत सार्वजनिक रूप से आपके साथ साझा की है। अगर कोई ऐसा व्यक्ति था जो किसी भी प्रकार से अभियुक्तों को लाभ पहचाने की कोशिश कर रहा हो, या किसी व्यक्ति को इस घटना की ऐसी जानकारी हो जो पुलिस के साथ उसने साझा नहीं किया, तो उसको भी हम विवेचना के दौरान जरूर देखेंगे। तो निशंसता से काटा गया था? हाँ, क्योंकि ये मारने जो इसने पूछताछ में बताया है, वो बताया है कि इसने गला दबा के उसको मार दिया, और क्योंकि ये चाहता था कि बॉडी की शिनाख्त ना हो पाए, क्योंकि बॉडी की शिनाख्त नहीं होगी तो ये घटना से कनेक्ट नहीं हो पाएगा। और इसके गाँव में लोगों को ये जानकारी इसने दी थी कि मैं जयपुर गया हूँ, तो ये चाहता था कि बॉडी की शिनाख्त ना हो, इसलिए इसने लकड़ी के बोटे पे उससे बांके से बॉडी को काट दिया और बाकी बॉडी पार्ट्स उस कुएं में फेंक दिए, क्योंकि वो कुआ बिल्कुल एकदम ढका रहता था, उस पर बहुत सारी ऊपर खरपतवार थी,
ताकि लोगों को पता ना चले, और जो सिर था बॉडी का वो इसने एक तालाब में फेंक दिया ताकि शिनाख्त ना हो सके और पुलिस इस तक पहुँच ना सके। बिना सर की बॉडी मिलना और इस तरीके से जो काटा गया पुलिस के लिए भी कितना चैलेंज? ये हम लोगों के लिए बहुत बड़ा चैलेंज था। नंबर एक तो इसलिए कि एक महिला संबंधी अपराध था, और दूसरा इसलिए कि शिनाख्त के लिए हमारे पास बहुत कम चीज़ें थी, सिर्फ बॉडी का मिसिंग था। इसीलिए सभी लोग पिछले 5 दिन से लगातार इसी में लगे हुए थे, और हमारे एक आरक्षी से लेके और हमारे एडिशनल एसपी आर साहब तक सबके द्वारा बहुत मेहनत की गई, और बहुत हम लोगों ने इसमें एविडेंस कलेक्शन भी बाकी जनपदों से भी हमने मदद ली। हमने फ़ोटो अटैच करके, जो हम लोगों को मौके से बॉडी प्राप्त हुई थी उसके फ़ोटो अटैच करके सभी जनपदों को सर्कुलेट किया गया कि अगर किसी के यहाँ कोई मिसिंग है उसके बारे में जानकारी करने के लिए सभी जगह भेजा गया। बहुत बड़ा चैलेंज हम लोगों के लिए था, लेकिन अब जनपद में अपराध रोकने के लिए और अपराधियों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई करने के लिए हम प्रतिबद्ध हैं। इसके लिए हमें कितनी भी मेहनत करनी पड़ेगी हम करेंगे, और कठोर से कठोर कार्रवाई की। सर, दोनों गए थे सर्वेश, इसके मामा का लड़का है, जब लड़की इससे मिलने आई उसके बाद ये उसको एक रेस्टोरेंट में ले गए, वहाँ खाना खिलवाया, और इस घुमाने फिराने के बहाने शाम तक ले जाके अपने मामा के गांव के पास एक खेत में ले जाके गला दबा के उसकी हत्या कर दी। हत्या करने के बाद ये बांके से, क्योंकि इसको ये था कि डेड बॉडी मिलेगी तो कनेक्ट किया जाएगा, बांके से बॉडी को अलग अलग पार्ट्स में काटा और उन पार्ट्स को पॉलीथीन में भर के सर्वेश की मदद से मोटरसाइकिल पर रख के इसने जो कुआं है जहाँ से बॉडी बरामद हुई वहाँ पे फेंका। जो डेड बॉडी का सिर था उसको भी इसने अलग काट के अलग कर दिया था, उसको इसने वहीं नज़दीक एक तालाब में फेंक दिया। पुलिस के द्वारा इन सभी घटनास्थलों का निरीक्षण किया गया है, वहाँ से पूरा साक्ष्य संकलन किया गया है। अभी तक जो बरामदगी हुई है उसमें एक लकड़ी का बोटा तालाब से बरामद हुआ है, जो मृतका हैं उनके जो सिर का हिस्सा जो कुएं में नहीं मिला था वो बरामद हुआ है, गन्ने के खेत के पास से एक मास्क बरामद हुआ है जो मृतका का है, 2 बांके जो घटना में प्रयुक्त किए गए थे वो बरामद हुए हैं, अपहर्ता के समस्त कपड़े पुलिस के द्वारा बरामद किए गए हैं, और उसके साथ साथ उस खेत में जिसमें घटना कारित की गई थी, जहाँ ये काटने की घटना कारित की गई थी, वहाँ से साक्ष्य संकलन के दौरान ईंख के जो पत्तियाँ थी जिसमें ब्लड लगा हुआ था उसको भी साक्ष्य संकलन के दौरान पुलिस के द्वारा एकत्र किया गया। इसमें फॉरेंसिक टीम के द्वारा बहुत साइंटिफिक तरीके से सारे एविडेंस को कलेक्ट किया गया है। आला कत्ल की बरामदगी के दौरान आज लगभग 2:30 बजे इसके द्वारा, जब पुलिस के द्वारा तलाशी की जा रही थी आला कत्ल के लिए, इसके द्वारा पुलिस टीम पर फायर किया गया आत्मरक्षार्थ कंट्रोल्ड फायरिंग में, जो पुलिस टीम के द्वारा की गई, इसको दाहिने घुटने में गोली लगी है, बेहोश हो गया, इसको उपचार के लिए जिला अस्पताल भेजा गया है जहाँ वर्तमान में इसकी स्थिति स्टेबल है। इसके पास से एक अवैध असला और उसके साथ साथ जो राउंड इसने पुलिस के ऊपर 4 राउंड फायर किए थे उनका खोखा कारतूस और लाइव राउंड बरामद हुआ है, और विस्तार में इससे पूछताछ की जाएगी। अभी तक इस पूरे प्रकरण में ये मुख्य अभियुक्त प्रिंस यादव की गिरफ्तारी हुई है, इसका साथी सर्वेश यादव वो वर्तमान में फरार है जो पूरी घटना में इसके साथ शामिल था, इसके ऊपर 25,000 रुपये का पुरस्कार मेरे द्वारा घोषित किया गया गिरफ्तारी के लिए। 5 टीमें जो लगी हुई थी वो लगातार इसकी गिरफ्तारी के लिए लगी रहेंगी। 7 अन्य लोगों को भी पुलिस के द्वारा इसमें अभियुक्त बनाया गया है, इसमें जो प्रिंस के माँ और बाप हैं, प्रिंस का मामा और मामी, प्रिंस के मामा के लड़के ब्रजेश की पत्नी सुमन, इसका भी इस घटना में बहुत अहम रोल रहा। सुमन के साथ भी इसका अफेयर था, प्रिंस का अफेयर अपने मामा के लड़के ब्रजेश की पत्नी सुमन के साथ अफेयर था, और सुमन, क्योंकि सुमन के साथ इसके शारीरिक संबंध भी थे तो सुमन चाहती थी कि ये लड़की रास्ते से हट जाए, इसलिए सुमन के द्वारा भी इस घटना में इसका पूरा पूरा साथ दिया गया। प्रिंस की बहन जिसके माध्यम से इस लड़की से प्रिंस की जान पहचान हुई थी, इस ये भी इसमें मुलजिम बनी है, और प्रिंस की एक और मामी। लड़की की हत्या हुई थी उसमें खुलासा हुआ क्या है? 16 तारीख को थाना क्षेत्र अहिरोला में पश्चिम पट्टी के पास सड़क के किनारे एक कुएं में अज्ञात युवती की डेड बॉडी मिली थी, जिसमें सिर नहीं था और बॉडी को अलग अलग पार्ट्स में काटा गया था। जनपद पुलिस के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती थी इस घटना का खुलासा करना और इसमें जो भी अभियुक्त शामिल हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करना। इसके लिए 5 अलग अलग टीमें गठित की गई थी, जिसमें एडिशनल एसपी हमारे दोनों, 2 CO साहबान और समस्त थाना प्रभारियों को लगाया गया था। अलग अलग जनपदों में टीमें भेजी गई थी शिनाख्त करने के लिए। बहुत महत्वपूर्ण रोल थाना अहिरोला पर नियुक्त आरक्षी चालक राजेश वर्मा के द्वारा इस घटना में इनका महत्वपूर्ण रोल रहा। लड़की की शिनाख्त आराधना प्रजापति, इनकी उम्र लगभग 22 वर्ष है, ये इसहाकपुर गाँव के रहने वाली हैं, इनके रूप में इनकी शिनाख्त हुई, जो डेड बॉडी पे के हाथ में कंगन था और हाथ में एक धागा था और पैर में जो नेल पॉलिश थी, इसके आधार पे पुलिस को ये संभावना लगी ये डेड बॉडी उनकी हो सकती है।
परिजनों से बातचीत की गई, विस्तार में तफ्तीश की गई, CDR एनालिसिस बहुत डिटेल में किया गया। इस CDR एनालिसिस के आधार पर और सारी तफ्तीश के आधार पर प्रिंस यादव एक अभियुक्त जिसका पिछले 2 साल से मृतका के साथ संबंध था, इसको पुलिस के द्वारा गिरफ्तार किया गया। कड़ाई से पूछताछ करने के दौरान इसने पुलिस को पूरी कहानी बताई कि किस प्रकार से इसने घटना कारित की। कल रात्रि को इसको गिरफ्तार किया गया। 5 टीमों ने इससे लगातार पूछताछ की है। पूछताछ के दौरान इसने बताया कि 2 साल से मृतका के साथ इसका संबंध था, ये बाहर विदेश में रहते हुए काम कर रहा था। इस साल फरवरी में मृतका की शादी किसी अन्य व्यक्ति से होगी, जिसकी इसको जब ये जानकारी हुई तो ये विदेश से यहाँ वापस आया और इसने मृतका पे दबाव बनाया कि वो उसके साथ शादी ना करके इसके साथ शादी करे। इसने अपने परिजनों से भी ये बात साझा की और इसके माता पिता ने भी इसको ये कहा कि तुम उसी के साथ रहो, उसी से शादी करो और अगर कोई दिक्कत आएगी तो हम देख लेंगे। इस पूरी साजिश में इस प्रकार से इसके माता पिता भी शामिल थे, उनके द्वारा इसको बढ़ावा दिया गया कि अगर लड़की नहीं मानती है तो उसको रास्ते से हटा दिया जाएगा। ये लगातार लड़की से बातचीत करता रहा, प्रयास करता रहा कि वो अपनी पुरानी शादी को तोड़ के और इसके साथ शादी कर ले। लड़की नहीं मानी। 29 अक्टूबर के बाद से इसके दिमाग में ये पक्की प्लानिंग हो गई कि इसको लड़की की हत्या करनी है। ये लगभग 2-3 दिन के लिए अपने घर से गायब हुआ। गांव में इसने ये कहा कि मैं जयपुर जा रहा हूँ। इसके पीछे इसका मकसद था कि सब लोग ये मान लें कि ये जयपुर चला गया है और ताकि इसको घटना से कनेक्ट ना किया जा सके। लेकिन ये यहीं जनपद में रहा और उसके बाद अपने मामा के घर चला गया, जहाँ इसने ये पूरी प्लानिंग अपने परिवार वालों के साथ, अपने मामा के लड़के सर्वेश और अपने मामा मामा के साथ ये पूरी प्लानिंग इसने ऑर्गेनाइज की। 9 तारीख को इसने 9 अक्टूबर को लड़की को बुलाया फ़ोन करके, लेकिन लड़की उस दिन नहीं आई। 10 तारीख को फिर से मंदिर दर्शन के बहाने इसने लड़की, इसके मामा के लड़के ब्रजेश की पत्नी सुमन, इसका भी इस घटना में बहुत अहम रोल रहा। सुमन के साथ भी इसका अफेयर था, प्रिंस का अफेयर अपने मामा के लड़के ब्रजेश की पत्नी सुमन के साथ अफेयर था। और सुमन, क्योंकि सुमन के साथ इसके शारीरिक संबंध भी थे, तो सुमन चाहती थी कि ये लड़की रास्ते से हट जाए, इसलिए सुमन के द्वारा भी इस घटना में इसका पूरा साथ दिया गया। प्रिंस की बहन, जिसके माध्यम से इस लड़की से प्रिंस की जान पहचान हुई थी, इस ये भी इसमें मुलजिम बनी है। और प्रिंस की एक और मामी जो इसको शरण देने में जिसने मदद की थी, इन सभी को अभियुक्त बनाया गया है। इस प्रकार से 8 फरार अभियुक्त आज की डेट में हमारे हैं। 5 टीमें इनकी गिरफ्तारी के लिए गठित की गई हैं। बहुत जल्दी हम लोग इसमें गिरफ्तारी सुनिश्चित करेंगे। इसके साथ साथ थाना एरोला पर तैनात आरक्षी चालक राजेश वर्मा, जिनके द्वारा इस पूरे घटनाक्रम में शिनाख्त में खास करके बहुत ही अहम योगदान दिया गया और इनकी तत्पर कार्रवाई की वजह से हम लोग 4 दिन के अंदर इस घटना का खुलासा करने में कामयाब रहे। इनको ₹5,000 का नगद पुरस्कार मेरे द्वारा दिया जा रहा है। सर्विलांस टीम, जिन्होंने लगातार मेहनत की, इनको 5,000 का पुरस्कार मेरे द्वारा दिया जा रहा है। और जो अन्य टीम इसमें लगी थी, जिसमें हमारी दोनों SOG टीमें हैं, उसके साथ साथ थाना अध्यक्ष फूलपुर है, थाना अध्यक्ष एरोला है और हमारे गजेटेड ऑफिसर्स हैं, CO लालगंज है, CO बूढ़नपुर है, एडिशनल SP आर्य साहब है। 25,000 का पुरस्कार मेरे द्वारा इनको दिया जा रहा है। हम लोग इसको आगे की विवेचना भी और जितने भी अभियुक्त हैं इनके विरुद्ध बहुत कठोर कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे। और भी कोई लोग अगर इसमें ऐसे हैं जिन्होंने इनको शरण दी होगी, उनको भी मुलजिम बनाते हुए